उत्तर प्रदेश में सिटी की सरकार बनने वाली है। वोटर सोच रहा है कि जो विकास की गंगा है वो कहां तक पहुंची आपके शहर में, और इसी के आकलन के बाद इस चुनाव में वोट दिया जाएगा। सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं भारत समाचार का विशेष कार्यक्रम निकाय की जंग। आज मैं हूं गाजियाबाद में और यहां पर जो चुनावी मोर्चा है काफ़ी जटिल भी है और लोग उसमें आनंद भी ले रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के नेता हैं बहुत सारे। आपसे शुरू करते हैं, बीजेपी से हैं आप? नहीं सर, आपसे ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि जिम्मेवारियाँ भी आपके पास ज़्यादा हैं। डबल इंजन की सरकार है, 5 साल में क्या किया डबल इंजन की सरकार ने? अभी 95 में नगर निगम बना था और 95 से आज तक हम बराबर नगर निगम जीतते चले आ रहे हैं। जीतने का कारण ये है कि लोगों की भावनाएं हमारी साथ है, लोगों ने विकास देखा इसलिए हमारे साथ लोग खड़े हैं। बात रही 5 साल की, तो 5 साल में 2022 में हम स्वच्छता के रैंक में नंबर 2 पर आए थे, नंबर 1 पर, और 2023 में स्वच्छता के रैंक पर हम नंबर 3 पर आए भारत में, है ना। दूसरा, 650 मिट्टी कूड़ा टन जो निकलता है कूड़ा डेली, उसका निस्तारण बहुत बड़ी बात है जो कभी पहले अभी हुआ नहीं है। उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। दिन में हम लोग सफाई करा रहे हैं लेकिन हम लोग रात में बाजारों में भी सफाई का अभियान जारी रखे हुए हैं। और आप देखिए, विकास तो अपना दिख रहा, विकास यहाँ के लोगों को नहीं दिखता, विकास दिखता जो लोग गाजियाबाद में काफ़ी दिन बाद लौटते हैं उनको विकास उनको दिखता है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको नहीं दिखता। नहीं, जो दूसरे दलों के लोग हैं उन्हें विकास नहीं दिखता। दूसरे दलों को बताइए कि आपकी जो प्रत्याशी है उनको लेके कंट्रोवर्सी शुरू हो गई? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। पार्टी नेतृत्व जो निर्धारित कर देता है उस पर हम सब लोगों को काम करना होता है। टिकट वितरण की कमेटी में भी थी, तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर लगे। हमारा व्यक्तिगत मामला, सब लोगों ने अपनी वापसी ले ली है। अब एक बात बताइए, 100 टिकट है, 100 टिकट देने हैं। हमारे यहाँ पर 2500 लोग हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग हमारे पास 2500 लोग, समंदर हो गई है, समंदर हो गई है, और समंदर की उसमें काम चल रहा है। हमारे प्रत्याशी वापस लौट आए जो निर्दलीय हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। भाजपा का सिपाही भाजपा में रहता है और बाकी वापस लौट आए हैं। कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी उत्साहित है, क्या करंट दिख रहा है आपको, कुछ बदला है? सर, बीजेपी के रहते कुछ बदलना संभव ही नहीं है क्योंकि अपराधियों की पार्टी है, अपराध बदल रहा है, अपराध के आप कैसे आएंगे ये तो बताइए। सर, हम आएंगे जिस विकास और मुद्दों की राजनीति हम कर रहे हैं। अभी भाई साहब ने बीजेपी वाले कहा कि यहाँ के रहने वालों को निगम का काम नहीं दिखता। मैं जानती हूँ यहाँ रहने वाले, क्योंकि हम तो रोज अभी जाम से जूझ के आ रही हूँ। मुझे 10 मिनट प्रोग्राम में पहुँचने में इसीलिए देर हुई, जाम लगा है। कहीं वोटर है उनको भी टारगेट पर रख दिया उन्होंने। सर, यहाँ पार्किंग नहीं है, कूड़े, पता नहीं मेयर साहिबा किस गाड़ी से चलती है, उन्हें कूड़ा नहीं दिखता। कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ नालियाँ गंदे पानी से बजाबज भट नहीं है। पानी पूरी तरह जरा सा बरस जाए तो अभी यहाँ पे नाव चलने की स्थिति आती है। पीने का भी पानी नहीं है, जल निकास और जल भराव दोनों की दिक्कत है निगम में। और हमें, ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, इन्हें गरीब दिखते नहीं। हम तो रेड़ी पट्टी वालों की बात कर रहे हैं जिनके की निश्चित स्थान आज तक निगम ने नहीं लगाया कि इनका बाजार यहाँ लगेगा। साप्ताहिक बाजार कहीं पर भी लगता है और उसके बाद ये लोग वसूली करने पहुंच जाते हैं। पट्टी वालों की आप बात कर रही हैं, वोट मिल रहा है क्या कांग्रेस को? सर, वोट मिलेगा 5 साल इनको, जो इन्होंने कहा बहुत अच्छा, इनका इतिहास ही इनके विरुद्ध है। ये इतने साल दिए जनता ने अगर भरोसा करके, वो जनता आज त्राही त्राही कर रही है। वो पूरी तरीके से कांग्रेस को लाने का मन बना चुकी है क्योंकि कांग्रेस ही विकल्प है। इनको हराना है, इनकी आपराधिक नीतियों, 25 साल की जड़ें जमी हुई हैं यहाँ पे। आप कैसे, अब तो डबल इंजन की सरकार। सर, जड़ें भ्रष्टाचार की जमाई गई है, कमीशन खोरी की जमाई गई है, कूड़ा उठाने के यूजर चार्ज लेने के लिए जमाई गई है। वो जड़ें अब जनता समझ चुकी है और वही जनता मजबूती से उन जड़ों को उखाड़ फेंकेगी जिसने एक दिन इनके पौधे को लगाने की गलती की थी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है जिसकी बात चारों तरफ की जाती है, क्या आपको लगता है कि ये 25 साल से जो यहाँ बीजेपी जमी हुई है उस मॉडल का कोई असर? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और जब जनता पिछली सरकारों से थक गई थी तब उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। हमारा जन्म इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हुआ है। जनता, जो गरीब जनता है, उनकी मूलभूत सुविधाएं जो सरकार द्वारा मिलती है वो नहीं पहली वाली सरकारें दे रही थी, उनको प्रोवाइड कराने के लिए जन्म हुआ है। तो हम लोगों ने देखिए, 10 साल पुरानी पार्टी है और हमने 2 राज्यों में सरकार बना ली है। 2 राज्यों में सरकार का यही हमारा बहुमत है कि जनता हमें पसंद कर रही है। अब नगर निगम, आप गाजियाबाद के नगर निगम पे आ जाइए, नगर निगम में देखिए कितनी, एक तो वैसी सरकार ने यहाँ पर इतनी महंगाई कर दी है। आप बिजली मीटर ले लीजिए, खामोखा का मीटर चल रहा है और आप 2000 का बिल आना चाहिए उसका 10000 का आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है और उस पर भी कोई मतलब भुगतान, कोई सरकार उस पर कोई भी सुविधा नहीं प्रोवाइड करा रही। अब
देखिए आपने, इन्होंने हाउस टैक्स बढ़ा दिया 17 से 25%। अभी हमने अभी जस्ट हमने हाउस टैक्स भराया और हमारा 25% बढ़ गया है। जनता वैसे ही परेशान है बेरोजगारी से। और आप और कांग्रेस जो हैं वो बात कर रहे हैं बीजेपी के भ्रष्टाचार की, लेकिन खुद घिरे हुए हैं दिल्ली में। देखिए ये कोई भी सारी जनता से पूछ लीजिए कि ये CBI ED जो तोता होती है केंद्र सरकार की, उसके कहने पे चलती है। और ये सभी जानते हैं कि जब तीन बार तोता ने अब तो चार्जशीट भी लगा, बिल्कुल देखिए तीन बार चार्जशीट में मनीष जी का नाम नहीं था। अब चौथी बार में जब इस बात का मुद्दा उठा तो इन्होंने सोचा अब चार्जशीट में लिखो, उन्हीं के तो खुश हो रहे हैं। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको, मार रहा भ्रष्टाचारियों को, शराब के कारोबार में लिप्त इनकी दिल्ली की सरकार। ये बेमतलब की बात है कि तोता होती है CBI, CBI भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है। चल रहा है गुजरात में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। ये बताइए कि ये तो आम आदमी पार्टी को बता रही मैडम के आखिरी कील है इनके ताबूत की, लेकिन गठबंधन की भूमिका इसमें क्या? गठबंधन अब के आपको बदलाव करके दिखाएगा। जनता के दिए मैंडेट का इन्होंने निरादर करा है। 25 साल में स्थाई डंपिंग ग्राउंड जो सरकार 25 साल में ना दे पाई हो, और जगह जगह आपने शहर को कूड़े का ढेर बना दिया हो, तो क्या जनता इसी भी इंतजार करती रहेगी? 25 साल एक छोटा पीरियड नहीं होता, बच्चा पैदा होके ब्याह करने लायक हो जाता है, और आज भी आपके पास स्थाई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। जहां विरोध होता है आप चेंज करके दूसरी जगह बना देते हैं। आज भी निगम के स्कूलों की हालात आप देखिए, 25 साल आपको जनता ने दिए, क्या आप किसी से, मान लो आपके अंदर इंद्र जी को अच्छा गुण है तो मैं बेशक गुण करूं, आपके गुण को तो अडॉप्ट कर सकता हूं। बराबर में दूसरी पार्टी ने केवल दो स्टेट में सरकार किस बिना पे ले आई कि हम अच्छे स्कूल दे रहे हैं, आप वहां से कुछ ना कुछ ले लेते। आपने स्कूलों के हालात क्या कर रखी हैं? सबसे बड़ी बात, आपने लाखों करोड़ों रुपया जो जनता से टैक्स के रूप में दिया आपने पेड़ के नाम पर खेला कर दिया। पिछले 5 साल में इनसे पूछा जाए कि आपने कितने लाख, एक एक दिन में लाख लाख पेड़ लगाने का आपने संकल्प लिया, अभियान चलाया, मुझे आज शहर में दिखाइए वो लाखों लगा। ये आप तो बात कर रहे हैं सड़क की, बिजली की, रोजगार की, आम पब्लिक को ये चाहिए, लेकिन ये चुनाव तो बाबा मोड़ चुके हैं दूसरी तरफ, कह रहे हैं कि अब सब कुछ चंगा है, बुलडोजर मजा दे रहा है। देखिए मैं उस पे नहीं जा चाहूंगा, बुलडोजर उसी पे लगेगा जो गलत कार्रवाई करेगा। हम एक मिनट, चौहान जी आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट, अब मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मुद्दों की बात करें कि इनको क्या दिया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं, चौहान साहब इतनी बात कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा खेला करा, आपने डस्टबिन के नाम को खेला करा, आपने विज्ञापन के नाम पे एक ही आदमी को पूरे शहर का होर्डिंग का ठेका दे दिया, 10 ठेकेदार बदले गए, पार्किंग ना, इन्होंने केवल 25 साल में खेला करने के अलावा कुछ नहीं करा, केवल और केवल गाजियाबाद के ऊपर जो कार्रवाई हुई अब उसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है मंच से। देखिए जो गलत कोई भी होगा, किसी भी जाति, किसी भी बिरादर पे हो, हमें उससे कोई लेना, गलत के हम पैरोकार नहीं है कि गलत को बचाया जाए, लेकिन आप जो मेन जो निगम होते हैं, निगम का काम क्या होता है? विकास करना। मैं विकास की बात कर रहा हूँ, आप जब दिल्ली से आए होंगे सबसे पहले गाजियाबाद की शुरुआत पटेल नगर में होती है। मैं पटेल नगर 20 साल रहा हूँ, किसी टाइम पे वहाँ बाढ़ आई थी, आज अगर आध घंटे की बारिश में अगर पटेल नगर में नाव चलती ना दिखा दूं आपको, पटेल नगर सेकंड ने बस अड्डे के सामने, जहां मेट्रो भी है, जहां आपने शहीद स्थल भी बना रखा है। अरे 25 साल को छोटा पीरियड नहीं होता नरेंद्र जी, नाव तो हमने एक्सप्रेस वे पे भी चलती देखी है। आप ये बताइए कि अतीक को लेकर आप कुछ कहना जी? अतीक को तो करवाया ही इसलिए गया पुलिस कस्टडी में कि ताकि मुद्दा बनाए। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान और अपराध के सिवा नहीं होता, वो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। वो आदमी बुरा है, वो अपराधी है, लेकिन अपराधी के साथ अपराध करने की, ये बताइए करवाया किसने? बीजेपी ने खुद कराया हुआ है, वरना पुलिस कस्टडी अभी माहौल की LIU फेल है सर। अगर बाहर प्रतिबंधित असलहे शहर में है तो LIU कहाँ है? जो चंगा कह रहे हैं वो मंगा कहाँ थे उस वक्त? उनकी पुलिस कहाँ थी? क्यों जवाब नहीं देते इस चंगे मंगे पे? क्या बोल रही है मैडम? बिल्कुल गलत बोल रही है मैडम, को कुछ अता पता है नहीं, LIU फेल बता रही है। इनके पास का प्राइवेट LIU है क्या? शायद रहिए आप, मैंने आप मर्यादा में रहिए मैडम। चलिए बोले, आप बोली मैं नहीं बोला ना, आप मर्यादा लड़िए मत प्लीज। प्रतिबंधित असला है तो आपके पास को आपको क्या पता है? आप LIU क्यों फेल बता रहे हो? आपको आप अपनी बात कहिए, उधर मत देखिए, देखिए आप अपनी बात। अरे
अरे एक मिनट भैया, जब नहीं बोला तो आप मत बोलिए मैडम, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए मैडम, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप जो है। क्या इनके पास का प्रमाण है कि बीजेपी ने कराया? बड़ा बहुत आसान सा विपक्ष के पास एक जवाब है कि बीजेपी ने कराया। बीजेपी ने क्या कराया? पकड़ के कौन लाया उसको? अतीक को, अतीक को पकड़ के कौन लाया? आज तक अतीक पकड़ा क्यों नहीं गया? नए नए राज कैसे खुल रहे? चंगा मंगा। आप ये बताइए कि ये जो चुनाव है, क्या ये भी बाकी चुनाव की तरह ध्रुवीकरण होगा? कोई वे विकास के ऊपर चुनाव है, कोई ध्रुवीकरण कभी नहीं होता। हम ध्रुवीकरण के लिए चुनाव नहीं कराते, हम किसी कास्ट वेस्ट नहीं करते। आप एक मिनट, हम किसी जातिवादी के ऊपर नहीं करते, हमेशा विकास के ऊपर लड़ते हैं। अभी ये बात कर रहे थे विकास की सरदार जी, इतने सारे आरोप भ्रष्टाचार के बीजेपी के ऊपर। 150 साल पुरानी पार्टी के पास पूरे 100 पार्षद भी नहीं है। हमारी तो जीत से शुरुआत हो गई है, हमारा एक पार्षद जीत चुका है, निर्विरोध जीत चुका है। तो यहाँ तक ये जनता तो शुरुआत कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। अब तो देखना है, बस आखिरी काम रह गया काउंटिंग का। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, जहाँ तक उसकी बात है, नगर निगम में अभूतपूर्व, कोविड काल होते हुए इतना अभूतपूर्व काम हुआ, आप सोच नहीं सकते कि कितना अभूतपूर्व काम हुआ। कह रहे हैं जीत चुके हैं। ऐसा है, कोरोना में हॉस्पिटल्स के बाहर क्या हालात थी, गाजियाबाद के अधिकारियों के स्विच ऑफ बंद हो गए थे, यहाँ के बड़े अधिकारी उनके भी फोन मामले में मुझके पता ही नहीं लग पाता था कब बंदर कब खुला है। ऑक्सीजन गुरुद्वारों ने बांटी है, हमने लोगों ने सेवा करी है, खान लंगर की भी करी है और फ्री ऑक्सीजन की बांटी है। इससे बड़ी सेवा बाबा जी हमसे नहीं ले सकते। इतना सा बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी की जीत का जो स्ट्रेटजी है, गणित है वो क्या? देखिए, हम लोग नगर निगम में अगर हमें जनता जिताती है तो हम हाउस टैक्स जो है हाफ करेंगे, पानी माफ़ करेंगे, शहर को साफ सुथरा करेंगे। हम सिर्फ मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, हम जनता को क्या सुविधा हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे हमने दिल्ली में कराई है, दिल्ली की जनता हमें बहुत प्यार करती है। हम भाजपा पंजाब में हमने जनता को जो वादे किए थे उसे पूरा, हम वादों को पूरा करते हैं। हम सगुफे नहीं छोड़ते। फिर ये हिंदू लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूँ, आप ये बताइए कि इस बार जिस तरीके से बाकी पार्टियां जोर लगाए हुए हैं, आपको कोई चुनौती दिखती है? नहीं, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं, हम विकास के ऊपर चुनाव जीतेंगे। हम विकास के ऊपर वार्डों में, सभी वार्डों में एक के सामने एक खड़े हैं। सबसे बड़े इन्होंने अब सेवा भाव, जो सेवा भाव इनकी होती थी, अब काहे की राज, अब सरकार में क्या है, छल दल और बल, केवल जिसके पास बड़ा थैला, बगावत हो गई, जिसके बाद जहां बगावत, खुद के विधायक के प्रतिनिधि पे एफआईआर दर्ज करा के आती है। वीके सिंह की बेटी, इनके खुद के जो गाजियाबाद के जो विधायक है उनके प्रति, नहीं नहीं, ये आपसी मसला नहीं है, ये जनता का मसला है। कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। आपके झगड़ों में जनता का क्या भला, इनके झगड़ों में जनता का क्या भला? इन्होंने टिकटे का टिकटे ऐसी बांटी है कि इनके खुद के कार्यकर्ता नाराज हैं। 100 में से 50 वार्ड ऐसे हैं जो मेरे लिस्ट में, आपको व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ, जहाँ इनके सिटिंग बगावत हो गई है, 100% बगावत है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी इन्होंने कहा कि कोविड में बहुत अच्छा सुशासन किया, कल का अखबार हर नगरवासी ने पढ़ा है, जिसमें वैशाली के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर 3 दिन से एक बुजुर्ग वापस जा रहे हैं, ना तो डॉक्टर है ना तो दवा मिल रही है। ये इनके अस्पतालों की स्थिति है, प्राथमिक विद्यालयों में टीचर नहीं है, बच्चे पेड़ के नीचे बिठा दिए जाते हैं, ना तो कमरे हैं, ना पानी है, ना अलग से शौचालय की व्यवस्था है। तो ना इनका चिकित्सालय, ना इनका विद्यालय, ना इनका सड़क, ना इनका कूड़ा, ना इनकी पार्किंग, ना इनके पास पानी का, पीने का पानी, ना जल निकासी और जल भराव की दिक्कत के लिए कोई समाधान नहीं है। ये पूरी तरह से फेल है और इस बार कांग्रेस निगम पे पूरा कब्जा करेगी। तो ये गाजियाबाद की स्थिति है, आरोप जो है बीजेपी के ऊपर है भ्रष्टाचार के। इसके अलावा बीजेपी एक और मुसीबत से यहाँ जूझ रही है और वो है बगावत। लेकिन नतीजा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, मिलेगा अगले शहर में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत, नमस्कार।